75वें अमृत महोत्सव की खुशी में जैसे जैसे 15 अगस्त का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे पूरा देश देशभक्ति के रंग में रंगता जा रहा है। राजकीय मॉडल संस्कृत स्कूल में हर घर तिरंगा मुहिम थी, उसको सभी बच्चों ने तिरंगा फहराया और सब बच्चों ने मिलजुल कर बा दिया। हरियाणा के इकबाल ताऊ के चाचा के ताई सारे आदमी मतलब की हर घर तिरंगा में बढ़ चढ़ कर भाग ले, सारे अपना घर तिरंगा लगाने पर मतलब जुट रहे हैं। हर एक घर में तिरंगा पाऊगा आज का दिन 13-15 तारीख तक नानुन का हर गांव में तिरंगा मिलेगा, आप जाकर देख लो। क्या बच्चे, क्या जवान, क्या महिला, क्या बुजुर्ग, हर कोई आजादी के दीवानों को याद करके उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने में लगा हुआ है। चारों तरफ भारत माता के जयकारे, मेरा भारत महान व वंदे मातरम के नारों से पूरा देश गूंज रहा है। इस कड़ी में नारनौंद के मॉडल संस्कृति स्कूल के बच्चों ने पूरे कस्बे में तिरंगा यात्रा निकाली और लोगों को हर घर तिरंगा मुहिम के लिए जागरूक किया। देहरादून के मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें सभी बच्चों ने खुशी से भाग लिया और तिरंगा को फहराया, जिसमें नारे लगाए गए जय हिंद जय भारत माता की, और हमारे चाचा ताऊ भाई बहनों ने भी पूरा उल्लास से इसे मनाया। 13 तारीख से 15 अगस्त तक इस 15 अगस्त को पूरी धूमधाम से मनाया जाएगा और आजादी के 75 वर्ष को मनाया जाएगा। राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल के अध्यापकों ने भी बच्चों को अपने घर पर तिरंगा लगाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों को स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताया, जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देकर हमें स्वतंत्र कराया था। बच्चों ने भी यह शपथ ली कि वह सब तिरंगे का सम्मान करेंगे और अपने घर पर तिरंगा जरूर लगाएंगे और सरकार के द्वारा चलाई गई मुहिम में अपना पूर्ण योगदान देंगे। स्कूल के सभी बच्चों ने, सैकड़ों बच्चों ने भाग लिया, तिरंगा यात्रा निकाली, जागृति फैलाई समाज में, ताकि हमारे जो देश के शहीदों ने हमारे लिए जो कुर्बानियां दी हैं उनको दोबारा हम उनकी जो याद है हम उनको दोबारा ताजा कर सकें। जय भारत माता के भारत माता की जो जयकारे लगाए गए, जिससे जो स्कूल है वो गूंज उठा। हम बहुत खुश हैं कि हमने 75 साल पूरे कर लिए हैं और मैं यही कहना चाहूंगी कि सभी के मन में भारत माता के प्रति उतना ही प्रेम होना चाहिए जितना कि आज हमने दर्शाया। सरकार के द्वारा चलाई गई हर घर तिरंगा मुहिम के द्वारा पूरे भारतवर्ष में खुशी की लहर उमड़ रही है। हर व्यक्ति 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस का इंतजार बेसब्री से कर रहा। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मॉडल संस्कृति नारनौंद के बच्चों ने आज तिरंगा यात्रा निकाली, जिसके तहत पूरे कस्बा वासियों को, ग्राम वासियों को जागरूक किया गया और अपने आजादी के 75 साल पूरे होने की खुशी जाहिर की और लोगों को भी अपनी आजादी के, स्वतंत्रता के और स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का एक मौका दिया गया। और हर घर तिरंगा एक ऐसी मुहिम है जिससे सभी लोग ये याद कर सके कि हमारा देश किस संघर्ष के साथ आजाद हुआ और अब हमें गर्व है कि हम एक स्वतंत्र भारत में पैदा हुए। जय भारत माता की जय हिंद। जब भी कोई व्यक्ति तिरंगे को देखता है तो उसकी आंखों में भारत के प्रति और भारत के तिरंगे के प्रति एक अलग ही गर्व देखा जा सकता है। जैसे भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी कुर्बानी देकर भारतवर्ष को आजाद कराया था, वैसे ही हर व्यक्ति में भारत के प्रति कुछ अलग करने का जज्बा आ जाता है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की तरफ से पूरे देश में हर घर तिरंगा मुहिम चलाई जा रही है, जिसका सार्थक परिणाम 15 अगस्त से पहले ही देखने को मिल रहा है। तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, 75 साल आजादी के पूर्व होने पर एक महापर्व के रूप में इसको मनाया जा रहा है। हर घर के ऊपर 13 तारीख से 15 तारीख तक तिरंगा होगा। इसके लिए बच्चों ने गांव में जाके सभी लोगों को जागरूक किया और सभी लोगों में उत्साह है। 13 से 15 तारीख तक सभी ने वादा किया है कि अपने घरों पर तिरंगा लहराएंगे। बिंदास हरियाणा के लिए नदीम की रिपोर्ट। खुशखबरी, 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 आपके शहर नारनौंद में आपका अपना यूनिक कोचिंग सेंटर एक बार फिर लेकर आया है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपके बच्चों का भविष्य होगा उज्जवल। जी हां, कक्षा 3 से 12 तक के बच्चों की
पढ़ाई करवाने के लिए हर विषय का अनुभवी अध्यापक नए तरीके से आपके बच्चों का करेगा मार्गदर्शन। अपने बच्चे हमें दीजिए और हो जाइए निश्चिंत, हम करेंगे आपके सपने साकार, हम बनाएंगे उन्हें डॉक्टर और इंजीनियर। जी हाँ, 11 जुलाई से होली एंजल पब्लिक स्कूल नारनोंद की पुरानी बिल्डिंग में शुरू होगा यूनिक कोचिंग सेंटर। पहले 5 दिन बच्चे ले सकते हैं फ्री ट्रायल। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 9813041931।